सेक्स का ये अंदाज औरत से कभी मत करना, वरना औरत रोजाना मांगेगी। जानना चाहते हो सेक्स का सीक्रेट? औरत के निप्पल्स का काम सिर्फ ब्रा के अंदर बंद रहना और बच्चे को दूध पिलाना ही नहीं होता। निप्पल्स इतना अच्छा रोल प्ले करते हैं आपके सेक्स में और फोर प्ले में। इस टॉपिक पर आज तक किसी ने बात नहीं की। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि निप्पल्स कैसे सेक्स में हेल्प करते हैं। निप्पल्स चाहे औरत के हों या मर्द के, निप्पल्स में वही सेंसुअल होती है जो औरत या मर्द की शर्मगाह में होती है। निप्पल्स की जगह बहुत सेंसिटिव होती है। निप्पल्स औरत की सबसे हसास जगह होती है और बहुत सी औरतें सिर्फ निप्पल्स से ही फारिग हो जाती हैं। ऐसी बहुत सी औरतें जो अपने निप्पल्स को छूकर या मसाज करके या आइस क्यूब से सहलाकर या किसी टॉयज की मदद से फारिग या डिस्चार्ज हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि औरत को ही निप्पल्स पर हाथ लगाना या सहलाना अच्छा लगता है, बल्कि मर्द को भी अपने निप्पल्स पर हाथ लगाना, सहलाना, चूसना, चटवाना अच्छा लगता है और मर्द बहुत पसंद करते हैं। इससे मर्द के नफ्स में तनाव आता है। ऐसा करने से आपके पार्टनर का फौरन मूड बन जाता है। जब तक औरत की पूरी बॉडी को तैयार ना किया जाए, बॉडी से ना खेला जाए, तब तक औरत को सेक्स में मज़ा नहीं आता। इस तरह के सेक्स से औरत कभी मुतमईन नहीं होती। अगर आप औरत को भरपूर मज़ा देना चाहते हो तो औरत के निप्पल्स को सहलाएं, चूमें, उनको हल्के हाथ से मस लें, मसाज करें, औरत के पूरे जिस्म पर अपने हाथ की तपिश दें या किसी ऑयल से निप्पल्स की मसाज करें। तेल का इस्तेमाल सिर्फ शर्मगाह के अंदर डालने के नहीं होता। आप तेल से निप्पल्स की मसाज करके औरत और ख़ुद को मज़ा दे सकते हैं। कई लोग छाती को दबाना और उससे खेलना तो पसंद करते हैं, लेकिन निप्पल्स को भूल जाते हैं। अगर आप इस तरह से सेक्स करेंगे तो यकीन माने कि औरत का दिल नहीं भरेगा। इसकी ख्वाहिश होगी कि रोज़ इस तरह से मज़ा लेने की और इस तरह से सेक्स करने की। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू।